पुराना दौर है दिग्विजय सिंह वाला, भट्टाधार, जमुना देवी और तमाम, अब वही पुरानी राजनीति की तर्ज पर चल पड़ी जब सत्ता में हारी उसके बाद। सारे देश में कांग्रेस को जनता ने सुधार दिया, सुधारने की मौका आएगा जब आप देखिए। किशन सिंह तो कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ हमेशा से रही, मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं रही। सब उन्होंने कहा बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। तो नहीं, उनकी कभी भी हो, सिंधिया जी उनके बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके बेटे जैसे हैं, माधवराव जी उनके बहुत से दोस्त थे, मतलब उनकी जितनी तारीफ की जाएगा ना, अर्जुन सिंह जी को उन्होंने किस समय साथ छोड़ा, जिस अर्जुन सिंह जी ने उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था, उस अर्जुन सिंह जी को बत्ती दे दी उन्होंने, राहुल जी को बत्ती दी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती में बड़े कुख्यात हैं। सर बोले कि राजनीतिक लड़ाई नहीं है ये, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लड़ाई है, उन्होंने महात्मा गांधी कहते हैं कि ये विचारधारा से उनकी लड़ाई है। मुझे लगता है कि घबराहट में अब वो भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम दे रहे हैं, वैसे वो अकेले पड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि कमलनाथ जी से जो अपेक्षा थी वैसा साथ दे नहीं रहे, सिंधिया जी उनके साथ है नहीं, और इसलिए एक बहुत छोटे कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह जी की तुलना में उमंग शंकर छोटे कार्यकर्ता, उन्होंने जिस तरीके से साहस दिखाया है उससे घबरा गए दिग्विजय सिंह। ये तब से शुरू हुआ जब से उन्होंने पाकिस्तान जासूसी में भारतीय जनता पार्टी के दो लोगों का नाम दिया, उसके बाद से ये शुरुआत हुई। देखिए कांग्रेस में कुल मिलाकर कौन छोटा चोर है कौन बड़ा चोर है इस बात की प्रतिस्पर्धा हो रही है, कौन रेत माफिया है कौन शराब माफिया है, किसको हिस्सेदारी मिल रही है किसको नहीं मिल रही है, इस बात की सब उनकी लड़ाई है। अब जनता भी समझ रही है कि 10 साल से कोई अवसर मिला नहीं था और एकदम अवसर मिल गया तो सब ने अपना अपना फावड़ा निकाला और समेटने में लगे हुए, और उसमें जिसके फावड़े में कम आ रही है वो शोर मचा रहा है, जिसके फावड़े